हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमिता है और मैं द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की वॉलंटियर हूँ। दुनिया सबकी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रथम बुक की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी या इसके जैसी और भी ढेर सारी मज़ेदार कहानियाँ पढ़नी हो या सुननी हो तो आप इनकी स्टोरी वीवर वेबसाइट पर जा सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। पता है, जब मैं छोटी थी मुझे संडे का बहुत इंतजार रहता था। संडे को मेरे पापा मुझे हमारे पड़ोस के कबाड़ी वाले के पास लेकर जाते थे और मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद था। वहाँ पे एक बड़ा सा तराजू हुआ करता था जिसे मैं एक झूला समझ के उस पर बैठ जाती थी। वहाँ पे जितनी भी पुराने अखबार, किताबें, मैगजीन और मोर के पंख जो भी होते थे, मुझे उन्हें देखना बहुत पसंद था। मुझे लगता था जैसे कि काफ़ी अलग-अलग कहानियाँ अलग-अलग घरों से निकल कर आई हैं एक जगह मुझे एक नई कहानी सुनाने के लिए, वो भी मिलकर। खैर, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है कबाड़ी वाला, और ये कहानी लिखी है सुविद्या स्वामी ने और इसके जो चित्र बनाए हैं वो बनाए हैं सुविधा मिस्त्री ने। तो चले देखते हैं ये कहानी किस बारे में है। स्कूल के छुट्टी होने में 5 मिनट रह गए थे पर चीनू और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी कहीं पास से घंटी की टन टन टनहा टनर सुनाई दी। चीनू, क्या हो रहा है? टीचर ने कहा। सॉरी अक्का, चीनू बोला, वो क्या है? तभी पेपर वाला, पेपर, पुराने अखबार, कबाड़ी। चीनू के पिता कबाड़ी वाले ने गा कर पुकारा। चीनू की मुस्कुराहट बाहर तक चमक रही थी। स्कूल की घंटी बजी। चीनू पिताजी के पास दौड़ कर पहुंचा। चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान खेल रही थी। स्कूल में वह अकेला बच्चा था जिसके पिताजी उसे लेने आते थे। चीनू कूद कर ठेले पर जा बैठा और उसने अपने पैर लटका लिए। पिताजी ने ठेले को धक्का दिया और जोर से पुकार लगाई, पेपर वाला, कबाड़ी। चीनू ने भी पुकार लगाई। वाह, दोनों की क्या जोरदार आवाज निकली। जब एक चौकीदार ने उन्हें रोका, चीनू नीचे कूदा। एक खाली बोरी लेकर वह अपने पिताजी के साथ गया। आज उन्हें जो भी सामान मिलेगा वह इसी बोरी बोरी में भर जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे चीनू किधर है? हाँ, इस ठेले पे, और उसके पीछे कौन है? उसके पिताजी। चीनू बहुत खुश दिखाई दे रहा है ना, और उसके पापा भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। लगता है चीनू बहुत खुश है कि आज क्या क्या मिलेगा, वो लोग क्या क्या इकट्ठा करेंगे अलग अलग घरों से। इस घर से अखबार, उस घर से अखबार और पत्रिकाएं, नीचे वाले घर से अखबार और पत्रिकाएं और खाली बोतलें। लगता है आज ढेर सारा सामान है ना, और लग रहा है कि बोरी भी शायद भरने वाली है। आपको क्या लग रहा है? चीनू दौड़ कर ठेले से एक और खाली बोरी ले आया। वे लिफ्ट में ऊपर जाने वाले थे। चीनू की आंखें बड़ी
बड़ी और गोल हो गई। आपको क्या लग रहा है, चीनू की आंखें बड़ी बड़ी और गोल क्यों हो गई? जब मैं पहली बार लिफ्ट में चढ़ी थी, मेरा हाल भी एकदम चीनू जैसा था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये क्या चीज़ है, ये मुझे ऊपर कैसे लेकर जा रही है। लगता है शायद चीनू भी वही सोच रहा है। आपको क्या लग रहा है कि चीनू की आंखें बड़ी बड़ी और गोल क्यों हो गई? सोचने की बात है। पांचवी मंजिल से अखबार और पत्रिकाएं, बोतलें, डिब्बे और किताबें मिली। देखिए, हमें यहाँ अखबार तो दिखाई दे रहे हैं, किताबें भी दिखाई दे रही हैं, और चीनू शायद कोई घर बना रहा है। और कितना सुंदर बनाया है उसने, है ना? जब तक उसके पिताजी उस महिला से बात कर रहे थे, चीनू ने सब सामान ऐसे समेटा कि किताबें सबसे ऊपर थी, जहाँ वह उन्हें देख सकता था। मुझे लगता है चीनू इसलिए इतना खुश था कि शायद उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, एकदम हमारी तरह। और शायद वो इसीलिए इन्हें देखकर इतना खुश है, और इसीलिए उसने इन्हें ऊपर रखा है ताकि वो इन्हें पढ़ सके और इन्हें देख सके। अब तो ठेले को धक्का देने के लिए चीनू को पिताजी का हाथ बटाना पड़ा। लगता है ठेला काफी भारी हो गया है इतना सामान रखकर, है ना? घर पर सब सामान सहेज कर रखने के बाद चीनू के पिताजी ने उसे बुलाया। तुम्हारे लिए कुछ है, वे बोले। आपको क्या लगता है, पिताजी चीनू के लिए क्या लेकर आए हैं? वही किताब जिसे चीनू पूरी दोपहर भर देख रहा था। अरे वाह, चीनू को तो उसकी किताब मिल गई। शुक्रिया पिताजी, चीनू बोला उसके बाद। रात को खाने के लिए उन्हें उसे 3 बार बुलाना पड़ा। और आपको क्या लगता है, क्या चीनू ने उनकी आवाज़ सुनी, या वो कहानियों की दुनिया में या किताबों की दुनिया में एकदम मग्न हो गया? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या ऐसी कोई चीज़ है आपके आसपास जहाँ आपको जाना बहुत पसंद हो, या ऐसी कोई चीज़ जो आपको बेहद पसंद हो, या तो कोई किताब, या कोई खेल, या कोई चित्र, चित्र बनाना? क्या आप उस चीज़ का चित्र बनाएंगे जो आपको बेहद पसंद हो? ये कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। हम दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हाथ धोते रहिएगा। शुक्रिया।